दोस्तों, अगर आप कोई पेनी शेयर भी लेते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक साल में, कि 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 500% चला जाए, 700% चला जाए, ज्यादा से ज्यादा 10 गुना हो जाए। लेकिन आप इस स्टॉक को देखोगे कि एक साल से लगातार इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। जी हाँ, एक साल से लगातार अपर सर्किट लग रहा है और 3606% के आसपास ये स्टॉक बढ़ चुका है एक साल में। वही मैं बात करूं 6 महीने की, तो 1800-2100% के ऊपर की ग्रोथ दिया है। कभी 5.5 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था, अभी 203 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 महीने में देखोगे तो 151% से भी ज्यादा का ग्रोथ और लगातार एक साल से अपर सर्किट लग रहा है। तो ऐसा क्या बनाती है, ऐसा क्या मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ऐसे कौन से प्रोडक्ट देती है जिसमें इन्वेस्टर इतना ज्यादा बुलिश है कि लगातार एक साल से अपर सर्किट, मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत ही ना के बराबर जो शेयर्स होंगे, जिसमें अगर आप ऑपरेटर भी गेम कर रहा है तो मतलब लगातार इतना बड़ा गेम कि एक साल तक अपर सर्किट लगे। तो बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में, गीता रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जिन लोगों ने ले रखा है वो क्या करें, और जो लोग लेना चाहते हैं उसके लिए क्या लेवल हो सकता है। तो बने रहिए, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं, देन देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है या फिर ऑपरेटर पंपिंग डंपिंग करके जो लोगों को फंसा रहा है उसके पीछे सारा कुछ एनालिसिस देखेंगे अपना। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ गीता रिन्यूएबल एनर्जी के वेबसाइट पे। वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में ये वेबसाइट है, बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं लगती है। आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा तेजी अपर सर्किट, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बिना मन के इस वेबसाइट को क्रिएट किया गया हो, सिंगल पेज वेबसाइट। और दोस्तों, सबसे खराब बात क्या है ना कि वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इन शॉर्ट मैं बात करूं कि ये कंपनी करती क्या है, तो ये पावर जनरेशन करती है सोलर सिस्टम से, रिन्यूएबल एनर्जी है। आपको पता है गवर्नमेंट भी क्लीन एनर्जी की तरह ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसा क्या, कंपनी के पास उतना बड़ा कुछ बिजनेस भी नहीं है, फिर लगातार एक साल से अपर सर्किट। आप देख रहे हो कि इनका पावर जनरेशन से रिलेटेड बिजनेस है, अगर मैं बात करूं होम पे, तो होम पे तो कुछ भी नहीं मिला। कंपनी के बारे में आप जाओगे तो बस एक लाइन डाल के छोड़ रखा है इन्होंने, आप देख सकते हो, यही एक लाइन आपको देखने को मिलेगी कि पावर जनरेशन फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स। मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में वेबसाइट को डिजाइन किया। तो यहां से एक शक पैदा होता है कि अगर कंपनी वाकई में ही अच्छी है तो वेबसाइट ऐसा क्यों है। चलिए, अगर इसको इग्नोर भी कर देते हैं तो आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अब कुछ लोग कहेंगे कि ये स्टॉक भाग तो रहा है। सही बात है, स्टॉक भाग रहा है, और लोगों का अगर आपके पैसे बन रहे हैं ना, तो उसका जस्ट एक ही रीजन है कि आपका लक अच्छा है। उसके अलावा इस कंपनी के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको धीरे धीरे इसमें पता चल जाएगा। अभी देखो, अगर मैं बात करूं मार्केट कैप का, तो 100 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखो तो कंपनी बहुत ज्यादा भाग चुकी है, पी कुछ बचा नहीं है और पी बहुत ज्यादा भाग चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो सर, आप देखोगे कि दोनों इतने ज्यादा नेगेटिव में है, 134% के आसपास नेगेटिव में चल रहे हैं, तो जो कि बहुत ही खराब बात है। जो जैसा कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया कि आप ग्राफ देख रहे हो, सीधा एक अपर सर्किट लग रहा है पिछले एक साल से। अब कुछ लोग कहेंगे सर कंपनी डेट फ्री है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है क्या? कंपनी के बिजनेस को देखेंगे, नीचे जस्टिफाई करेंगे कि ये डेट फ्री होना मायने रखता है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ जून के क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का जो हाल है, मतलब छोटी कंपनी है तो सेल्स भी बहुत छोटे हैं, लेकिन इस हिसाब से ग्रोथ आ रहा है वो चौंकाने वाला है, वो डराने वाला है लगभग देखा जाए तो। यहाँ पे 9 लाख का सेल्स था कंसिस्टेंट बेसिस पे, लेकिन कोविड के बाद ये सेल्स 6 लाख पे रह गया। आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ का नेगेटिव था लास्ट बार, 13 करोड़ के आसपास, इस बार 15 लाख का पॉजिटिव आया है। ईयर ऑन ईयर देखो कि जैसे ही आप समझते हो कि कोई कंपनी अगर मल्टी बैगर बन सकती है आने वाले टाइम में, तो उसके पास्ट को देखना बहुत जरूरी होता है कि वो पास्ट में कैसा काम कर रही है। क्योंकि देखिए, सोलर एनर्जी की बात है तो कोई आज का नया नहीं है, भले ईवी सेक्टर इस समय बहुत मार्केट में बूम कर रहा है, बट सोलर एनर्जी आज से 5-7 साल पहले से इंडिया में एग्जिस्टिंग है। तो मैं बात करूं इनके, अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 2013 में इनके पास 6 करोड़ का सेल्स था, फिर 14 में 4, फिर 4 करोड़ का, 2017 के बाद लगभग सेल्स जीरो जीरो हुआ है, और 2021 में आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स तो कुछ हुआ नहीं, बदले में खर्चा इन्होंने कर दिया है 15 करोड़ का, आप देख सकते हो एक्सपेंस वाली लाइन। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन लग रही है कि कंपनी का सेल्स तो लगातार देखोगे, नेट प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, और स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ाया जा रहा है, स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है।
और तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार नेगेटिव आ रहा है, इस बार तो लाइफ टाइम नेगेटिव आया है प्रॉफिट। ईपीएस कुछ बचा नहीं है, लगभग ईपीएस 34 रुपए से भी ज्यादा का नेगेटिव में है। और सबसे बेकार बात यह है कि लगातार नेगेटिव में रहा, आप देख सकते हो कि कभी पॉजिटिव नहीं आया, एक बार बीच में थोड़ा सा आया था बट ज्यादातर टाइम नेगेटिव में ही रहा है। बात करें बैलेंस शीट की तो सेल्स बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ बढ़ नहीं रहा, तो कर्ज हो या ना हो, एक तो ऑलरेडी छोटी कंपनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व ऑलरेडी नेगेटिव में आ चुका है, 14 करोड़ का रिजर्व था वो भी नेगेटिव में आ चुका है। तो एसेट्स क्वालिटी भी लगातार गिरी है, जब से कंपनी में बात करूं 2013 से तो आप देखोगे एसेट्स क्वालिटी लगातार गिर रही है, खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सिग्नल आपको देखना चाहिए कि कंसिस्टेंट वे में एसेट्स क्वालिटी गिर रही है। कहा 98 करोड़ की थी, अब देखोगे कि गिरते गिरते 39 करोड़ के आसपास। कैश फ्लो एक बार इस बार इनको 1 करोड़ का आया है बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि सेल्स अगर अच्छे नहीं है तो आपके कैश फ्लो का कोई फर्क नहीं पड़ता और डेट फ्री होने का भी कोई फायदा नहीं नजर आता। 2015 में भी देखो, एक तो ऑलरेडी इनके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कुछ था नहीं, इसके बाद नेगेटिव में आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कुछ लोग आपको कन्विंस कर देंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास अच्छा है, तो छोटी सी कंपनी है 70-80 करोड़ की, मार्केट से कब गायब हो जाए पता नहीं चले। अब देखिए इस स्टॉक में मेरी दो व्यू है। सबसे पहले तो जिन लोगों का इसमें पैसा बना है, ऑब्वियस है बना है तो उसको नकारा नहीं जा सकता कि कंपनी ने पैसा बना कर दिया, तो उन्हें सबसे पहले मेरी राय होगी कि 1 साल से अपर सर्किट लग रहा है। तो ध्यान रखिए, जब बिना वजह अपर सर्किट लग सकता है तो लोअर सर्किट भी बिना वजह 1.5-2 महीने 4 महीने लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वजह नहीं है। आपने फंडामेंटल में देखा तो आप अपना पैसा पूरा वहां से निकाल लीजिए, इसमें आधे अधूरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल इसके ग्रोथ के, इसके मल्टीबैगर होने के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और चाहे तो दूसरी जगह एंट्री ले लें, तीसरी, 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो चुका, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका पैसा सिर्फ लक बेसिस पे डबल हुआ है। और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बिग नो है, एक तो स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है पिछले 1 साल से अपर सर्किट, और दूसरी बात एक होता है कि चलो फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं देन हम किसी लेवल पे ले लेते हैं, आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन ना तो इसके फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस भी कुछ खास नहीं है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड पावर जनरेशन में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जाके देखोगे ये कोई नया काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक के पास, आपने देखा ना, पब्लिक के पास मुश्किल से 27% के आसपास होल्डिंग है, और इसमें ना तो कोई एफआईज है ना ही डीआईज है, तो सारी होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर ऑपरेटर की तरह गेम कर रहा है इसको, इनसाइडर या जो भी आप देखोगे ट्रेडिंग में, तो इसको करके इसको बढ़ा रहा है, जबरदस्ती का बढ़ा रहा है। एएसएम लिस्ट में ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देखो तो एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग हो रही है सेबी की। तो नए जो लोग हैं, नए जो लोग खरीदना चाहते हैं यूट्यूब देख के या किसी और, सिंपली मैं आपने आपके सामने मैंने सारा इनका डेटा रखा और डेटा बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, वेबसाइट तक बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, और जिन लोगों ने ले रखा है उनका पैसा 5 गुना 7 गुना हो गया है तो सिंपली आप प्रॉफिट बुक करें और 100% प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपको पता है इसमें अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया तो आपको एग्जिट करने तक का टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आप देखोगे कि उसमें भी ये हुआ है, जब 1 साल तक बिना वजह अपर सर्किट लग सकता है तो 3-4 महीने लोअर सर्किट लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी राय है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। दोस्तों जब भी आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इसको और भी लोगों तक पहुंचाता है, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए ये काम कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, इस स्टॉक से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई दूसरे स्टॉक से रिलेटेड जो डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।